हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक लीक हुआ है ब्रह्मास्त्र का, फोटो लीक हुआ एक्चुअली। तो उसमें शाहरुख खान अपने एक पोज में दिखा रहे हैं और वो हमको वहां से पता चल रहा है कि वो वानरास्त्र है, यानी कि जो बोलेंगे हनुमान जी का अस्त्र है उस टाइप का थोड़ा सा अस्त्र दिखाया गया है। उसमें आपको एफएक्स वेफेक्स देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छे तरीके से वो जो भी लीक है वो प्रॉपरली आया है, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लियरली कि वो शाहरुख खान ही है। अब बात करते हैं कि ये लीक हुआ कहाँ से। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है हमेशा कि लीक, वैसे बॉलीवुड मूवीज में या फिर अपने इंडिया में ये कल्चर नहीं है, ठीक है, कि लीक सामने आना और बाकी सब चीजें। बट अभी प्रॉब्लम हुआ क्या है कि लीक हुआ कहाँ से है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो डिज्नी के पास है, तो ऑब्वियसली मूवी जो है वो डिज्नी के पास चली गई होगी, क्योंकि अभी आई थिंक अगले महीने में रिलीज है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि हाँ, वो लीक एकदम रियल है, क्योंकि वहां पे शाहरुख खान ही है और वो एकदम प्रॉपर फुटेज है। और जो फुटेज का क्रिस्पीनेस है वो देख के पता चलता है कि वो कोई भी एडिटेड फोटो नहीं है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर है। और वो वही सीन है जहां पे शाहरुख खान ऐसे एक पोज करता है और बाद में वो ऊपर निकलता है वो बिल्डिंग के ऊपर, तो वानरास्त्र होता है, वो हमको ट्रेलर में दिखाया गया, ठीक है। और ये कंफर्म है कि वो शाहरुख खान है, वो तो आपको पता चल गया होगा देख के। तो बता दूं कि ये लीक हुआ कैसे। देखो, ये लीक इनडायरेक्टली कोई ऐसा ये नहीं है कि किसने किया या फिर किसने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं है। ये एक ना प्लान होता है, ठीक है, क्योंकि हाइप क्रिएट करने के लिए। अगर मैं आपको बता दूं, देखो एक चीज होती है, एक ना टर्म होती है, अगर मैं आपके सामने एक डिब्बा रखूं और मैं आपको बोलूं कि इसमें क्या है गेस करो, आप में उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, आप कुछ भी नाम ले रहोगे। लेकिन मैं उसमें बताऊं कि चलो यार, जैसे आपको डीएसएलआर चाहिए, मैंने एक बॉक्स ले लिया, मैंने बोला कि आपको क्या है, मतलब डिब्बे में क्या है वो बताओ, हो सकता है डीएसएलआर भी हो। तो आप लोगों में आप नाम तो ले लोगे अलग अलग, लेकिन आपके दिमाग में वो चलता रहेगा धीरे धीरे कि हाँ यार, अगर डीएसएलआर होगा तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वो बोलते ना कि मालूम तो है लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वही हो, ठीक है। हम लोग गेस तो अलग अलग करेंगे लेकिन एक्सपेक्ट होता है कि वही हो। तो वैसे ही शाहरुख खान के साथ में, ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान काम करने वाले हैं कि नहीं, ये तो हमको तभी पता चल गया था कि जब कास्ट में उनका नाम रिवील हुआ था, ठीक है, तो बहुत लोगों ने तभी गेस कर लिया था। लेकिन वो है कि नहीं ये किसी को कन्फर्म नहीं था, क्योंकि उनका कहीं पे भी छोटा सा भी कैमियो नहीं दिखाया गया था ट्रेलर में, ना कि टीजर में, ठीक है, और ना कोई सॉन्ग में। लेकिन अभी ये लीक इतने टाइम, मतलब एकदम जब एकदम मूवी रिलीज के स्टार्ट अब एंड पे है कि अभी रिलीज होगी, उस टाइम पे ये लीक आना मतलब इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए एक मैग्नेट का काम करेगा जो शाहरुख खान के फैंस है, ठीक है। अब शाहरुख खान के फैंस जो होंगे वो दो चीजों के लिए जाएंगे कि एक या फिर ये अच्छा कैरेक्टर या बुरा कैरेक्टर, ये देखने के लिए भी शाहरुख खान के फैंस भीड़ करेंगे। तो इसलिए ये सब लीक किए जाते हैं। और वैसे भी डिज्नी तो वैसे भी बदनाम है अपने लीक्स के लिए, कोई उसमें दोहरा ही नहीं है, वो बराबर प्लानिंग से सब कुछ लीक करती है। डिज्नी का हर पैतरा पुराना है ये वाला, कि रिलीज के टाइम पे ऐसे कुछ लीक्स करना या फिर कोई ऐसे मतलब छोटे बड़े कंट्रोवर्सी वाले लीक्स करना, तो ये बहुत पुराना पैतरा है डिज्नी का, आज का नहीं है। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कोई खुद से किया हुआ या फिर किसी आर्टिस्ट ने या फिर किसी ने लीक किया हुआ नहीं है, ये एकदम प्री प्लान है सब कुछ, ठीक है। और वैसे भी ये इतनी प्रॉपर फुटेज है कि उतना डिटेल आना, मतलब उतना डिटेल निकलना बाहर वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, इसके सामने स्ट्रेटेजी होती है, एडवर्टाइजमेंट का फंडा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, देखो मजे लो, बात खत्म, ठीक है। वैसे भी मूवी आएंगे, मूवी देख लेंगे, ठीक है। तो लीक को इतना हवा मत बनाओ। बहुत लोग बोल रहे कि भाई इधर से लीक हुआ, भाई इसने किया, ये नहीं, वो कुछ नहीं है, ठीक है, जो है एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, चल रहा है, गेम चलेगा, ठीक है। हम लोग मूवी देखेंगे उसके बाद रिव्यू करेंगे, और होप सो मैं जाऊंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, क्योंकि बीवी ने बोला है कि ये मूवी मेरे साथ देखने चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे साथ हर मूवी देखने आती है, मतलब लगभग सब कुछ। तो उसने मेरे को पहले ही वार्निंग देके रखी है कि ये मूवी तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा भाई, होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, और क्या बोले, ठीक है। सो गाइस, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या है इस कलर की बटन होगी, हाँ रेड रेड फ्लैश, तो रेड कलर की बटन होगी, सब्सक्राइब कर लो उसको, काला पीला नीला जो भी करना है वो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।